हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एग्जांपल्स। और यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, दैट इज फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। वैसे नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड, बट अगर नहीं बोला जाए तो हमें कैसे पता करना है, सो ये मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोज हैं लाइक प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने रैंडम वेरिएबल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पे मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। सो यहाँ पे आई टेप आ रहा है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है, सो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और मेरे जितने भी वीडियोज हैं वो नॉर्मली मैंने यहाँ पे एग्जाम बेस्ड बना रखे, लाइक आपके जो ग्रेजुएशन के लिए लाइक बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं उसको बेस्ड मैंने यहाँ बना रखे हैं। अब स्टूडेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे बेस्ड भी मैं बहुत जल्दी कंटेंट लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, तो वो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और लाइक जरूर करें, सो दैट कि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, यहां देखो क्वेश्चन। गिवन दैट 2% ऑफ द फ्यूज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म आर डिफेक्टिव, यहां पे 2% क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूजेस, देखो यहां पे फ्यूजेस 200 है और होने की जो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2%। इससे पहले वाले वीडियो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस उसको हम करते हैं, सो डिफेक्टिव वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम क्या करेंगे यहां पे बाइनोमियल से करेंगे, है ना, क्योंकि उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और एन यहाँ पे क्या दे रखा होता है, ज्यादा दे रखा होता है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो एन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200, और जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2%, दैट इज 0.02, ठीक है। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमने प्रूव किया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे कंसेप्ट था कि लैम्डा किसके बराबर होता है, एनपी के बराबर होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 200 × 0.02, तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4। सो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, पीएमएफ होता है, वो होता है लैम्डा पावर एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, दैट इज 4 पावर एक्स ई की पावर माइनस 4 अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट कि एटलीस्ट वन डिफेक्टिव का मतलब होता है एक और एक से ज्यादा डिफेक्टिव, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, 1x < 1 कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, साइन चेंज हो जाएगा, ओके, बराबर है तो इधर लेस देन आ जाएगा ना। एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक और एक से ज्यादा, तो 1 - 1 से कम कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 से कम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पी 0, है ना, सो 1 - यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आएगा 4 - 0 ई की पावर माइनस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, लाइक यहाँ पे क्या जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा ई की पावर माइनस 4। यहाँ पे ई की पावर माइनस 4 की वैल्यू दे रखी तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हमें क्या दे रखा है, 3 or more defective, 3 और 3 से ज्यादा, है ना, तो हम क्या करेंगे, x > 3, 3 और 3 से ज्यादा, तो जब भी, अब देखो 3 से ज्यादा तो क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7 अप टू 200, यार भैया बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 - px < 3, है ना, ये आएगा 1 - p0 p1 and p2, है ना। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 - 0 की वैल्यू क्या होगी, 4 - 0 e की पावर माइनस 4 0 फैक्टोरियल, देन 4 - 1 e की पावर माइनस 4 1 फैक्टोरियल, 4 - 2 e की पावर माइनस 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो 1 - e की पावर माइनस 4 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 4, और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 दैट इज 16, है ना, 4 square दैट इज 16/2, तो ये आएगा 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 और 12 दैट इज 1 - 13 ई की पावर माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि नो डिफेक्टिव फ्यूजेस, नो डिफेक्टिव फ्यूजेस मतलब क्या करना, एक भी दैट इज P0, है ना, तो क्या होगा हमारा आंसर, जहां पर एक्स हम क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे, तो अपन क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इसका आंसर आएगा ई की पावर माइनस 4। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, आगे दो क्वेश्चनों में आपके सामने बताऊंगा। सो स्टूडेंट देखिए, एक और क्वेश्चन, इन अ सेटिंग सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग आउट रेजर ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 0.002 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव, द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन अ पैकेट ऑफ 10, यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग
नौ डिफेक्टिव ब्लड्स, वन डिफेक्टिव ब्लड्स इन कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। तो यहां पे आपको दे रखा है कि 10,000 पैकेट के कंसाइनमेंट में ऐसे कितने पैकेट्स है जिसके अंदर एक भी डिफेक्टिव ब्लेड्स नहीं है, ऐसे कितने पैकेट्स है जिसके अंदर वन डिफेक्टिव ब्लेड है। तो स्टूडेंट यहां पे किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, सो देखिए स्टूडेंट यहां पे आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, यहां पे एन की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, एन इज 10 दे रखा है और इसका जो चांस प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है आपको 0.02 और यहाँ एक कैपिटल एन आपको दे रखा है 10,000। तो जब भी आपको दो एन दिए हो तो एक को कैपिटल एन लेना है एक को स्मॉल एन लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है एन पी दैट इज 0 × 0.02, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02, ये हमारे पास क्या आएगा लैम्डा आएगा। क्लियर है? नाउ हमारा जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल दैट इज 0.02 पावर एक्स ई की पावर 0.02 अपॉन एक्स फैक्टोरियल, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव नो डिफेक्टिव ब्लड्स है ना, मतलब एक भी डिफेक्टिव ब्लड नहीं, मतलब क्या करना है आपको पी जीरो की वैल्यू निकालना है ना, तो 0.02 पावर 0 ई की पावर माइनस 0.0 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी समथिंग पावर भी क्या हो जाएगा 0, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0.9802। अब आपको ये पता लगाना है कि ऐसे कितने पैकेट्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग 0 डिफेक्टिव ब्लड। तो क्या होगा स्टूडेंट आपको क्या करना है 10,000 को P0 से इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 9802 पैकेट्स। तो कुल मिला के 9,802 पैकेट ऐसे होंगे जिसके अंदर एक भी डिफेक्टिव ब्लड नहीं होगी। देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि वन डिफेक्टिव ब्लड, तो हम क्या करेंगे यहाँ वन रखेंगे तो ये आएगा 0.02 पावर 1 ई की पावर 0.02 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट सॉरी 1 फैक्टोरियल, सो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 और 0.02 को हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.02 इंटू इसकी वैल्यू आएगी 0.9802। तो हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग वन डिफेक्टिव ब्लड। तो स्टूडेंट क्या करना आपको यहां पे इसको 10,000 से P1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 98 और 0.02 इंटू 9802 आ जाएगा, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपके सामने लास्ट एक और क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पॉइसन मतलब यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर अपन बात करेंगे आगे। सो स्टूडेंट देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.02, आपको याद रखिए 0.02, फाइंड द चांस दैट आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स मोर देन 2 विल गेट बैड रिएक्शन। कुल मिला के 200 जनों में से 2 को बैड रिएक्शन हो इस इंजेक्शन से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपको यहां पे देखिए आप क्या करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.01, एन आपको दे रखा है 200, तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू एन पी निकालेंगे दैट इज 0.01 इंटू 200, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2, देन हम इसका क्या निकालेंगे पी एक्स निकालेंगे लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल दैट इज 2 पावर एक्स ई की पावर माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे लैम्डा पावर एक्स है ना, ठीक है ना, क्या बोल रहा है मोर देन 2 विल गेट द बैड रिएक्शन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कोई बैड रिएक्शन हो है ना, मोर देन 2 सॉरी, तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा क्या हो सकते हैं 3, 4, 5 अप टू 200, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस पी 0 पी 1 एंड पी 2 होगा, सो 1 माइनस 0 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 2 पावर 0 ई की पावर माइनस 2 अपॉन 0 फैक्टोरियल 2 पावर 1 ई की पावर माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 पावर 2 ई की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की पावर माइनस 2 तो कॉमन आया, यहाँ बचा 1, ये बचा 2
और ये 4 अपॉन 2 तो ये बचेगा 2 एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2 आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक है, दैट इज फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा है। सो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ यहाँ पे। और लास्ट वाला जो मेरा स्क्रीन आ रहा है जहाँ पे मेरे पुराने सभी प्लेलिस्ट यहाँ पे अपलोडेड है, देखते रहिए, कमेंट करिए, सो देट कि मुझे पता पड़ेगी आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस टाइप के और मैं कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। और अगर आपको कोई करेक्शन भी लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।